नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं आपके साथ सारिका साहू एक बार फिर से हाजिर हूँ उदित राज न्यूज में। तो आइए डालते हैं नजर आज के कुछ खास खबरों पर। आज आईजी रेंज सर्विलांस सेल प्रभारी अमर सिंह रघुवंशी और उनकी टीम को इटौजा थाना क्षेत्र की संयुक्त टीम ने 25,000 इनामी बदमाश को एक मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। ग्वाला गैंग और कमर तोड़ने वाले हेड कांस्टेबल आनंद सिरोही का मुखबिर का तंत्र आया काम। एक बार फिर धर दबोचा गया जैमर गैंग के सदस्य को। तो आइए डालते हैं नजर आज ही कुछ खास खबरों पर। पेश है उदित राज न्यूज से संवाददाता प्रभात कश्यप की खास रिपोर्ट। लखनऊ आईजी सर्विलांस सेल्स प्रभारी अमर सिंह रघुवंशी उनकी टीम ने और इटौजा थाने की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। ट्रकों और कंटेनरों से एजेंसियों का करोड़ों का माल लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पेश है उदित राज न्यूज से लखनऊ संवाददाता प्रभात कश्यप की खास रिपोर्ट। देखते रहिए उदित राज न्यूज। ऐसे इटौजा को कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि रेती करने के लिए कुछ लोग लखनऊ से सीतापुर की तरफ इस पर जा रहे हैं और ये लोग जो है ट्रक इत्यादि की रेती करके वहाँ जो गोदाम है उसके बाद ये लोग मुठभेड़ करते हैं। उसी के क्रम में जो सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी उसके क्रम में ये जो संदिग्ध स्थल उसके आसपास मौजूद था वहाँ पर ये लोग अपना चेक कर रहे थे और इनको फिर वहाँ पर आते हुए सरपंच टीम ने मुखबिर के द्वारा बताया गया कि अमुक व्यक्ति है इधर से इस रूप से निकलेगा। तो वहाँ पर रोका गया तो उस जो बाइक थी बाइक के जो पीछे व्यक्ति बैठा हुआ था उसने पुलिस की तरफ फायर किया जिसमें ये लोग बाल बाल बचे। सर कितने राउंड फायरिंग हुई थी? सर एक फायर किया गया था और उसमें जो है हिम्मत अम्बी से उस व्यक्ति को जो संदिग्ध व्यक्ति था उसको पकड़ा गया। पकड़ के जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी हुई कि इटौजा में पिछले वर्ष में एक क्राइम नंबर 38/30 का जो मुकदमा लिखा गया था उसमें ये मार्केट भी था 25,000 रुपये का इनामी था। उसकी गिरफ्तारी की गई, अभियोग पंजीकृत किया गया और अन्य जो है विवेचना के क्रम में अन्य चीज़ों के बारे में भी इससे पूछताछ की जा रही है। सर मौके पर कुछ स्पॉट वगैरह मिले हैं क्या? कुछ और कुछ मिला है सर मौके पर? जो एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जो एक खाली खोखा बरामद हुआ है जो वैसे काफ़ी खुले हैं और 315 बोतल पहुँचा है। सर इस गैंग में कितने सदस्य हैं और यूपी भर में इन्होंने कहाँ कहाँ वारदातें की हैं? अभी तो फिलहाल इसी क्रम में सब पूछताछ की जा रही है जी और जैसे ही इन चीज़ों की जानकारी होगी आप लोगों को अवगत करा दिया। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।